महोदय आज अयोध्या की पौराणिकता के साथ साथ वैदिक रामायण सिटी के रूप में तो अयोध्या का विकास हो ही रहा है, लेकिन भौतिक विकास की एक भव्य और दिव्य अयोध्या हम सबको मिल रही है। 31,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट वर्तमान में अयोध्या में और अयोध्या से जुड़े भी अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च या तो हो चुके हैं या हो रहे हैं, और इसमें धर्मपथ, श्री रामपथ, भक्तिपथ, जन्मभूमि पथ, इन सब का निर्माण कार्य हो चुका है। आज आप जाइए ना, सिंगल लेन की जो सड़कें थी अब वो 4 लेन की हो गई। वहां पे गुप्तार घाट, वहां पे राम घाट, नया घाट एक नए स्वरूप में आ गया। गुप्तार घाट आज कोई जाके देखेगा ना, कितना दिव्य स्थल बन चुका है। राम जी की पेड़ी, 17 के पहले पानी वहीं सड़ता था, आज हरिद्वार की हर जी की पेड़ी की तरह दर्शन देखना हो तो अयोध्या जी में राम जी की पेड़ी में जहां दीपोत्सव का भव्य आयोजन होता है वहां यह उत्सव भी देखने को मिलता है। भरत कुंड, सूरज कुंड, ब्रह्म कुंड, ये सभी कुछ आज अयोध्या में है। मल्टी लेवल पार्किंग, एक नहीं 6-6 मल्टी लेवल पार्किंग वहां काम कर रही है। रेन बसेरे बन रहे हैं। नई अयोध्या को बसाने के लिए एक टाउनशिप की नई स्कीम वहां पे आ रही है। हर राज्य को स्टेट गेस्ट हाउस बनाने के लिए भारत के सनातन धर्म से जुड़े हुए हर पंथ और संप्रदाय को अपने अपने संप्रदाय से संबंधित धर्मशाला निर्माण के लिए भी जमीन आवंटन की कार्रवाई अयोध्या धाम में हो रही है। एक नई अयोध्या का दर्शन अयोध्या में। और अयोध्या 22 जनवरी को ऐसे ही लग रही थी जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी भई सकल शोभा के खाने। अयोधपुरी ऐसी चमक रही थी, यानी ऐसे ही लग रही थी, शोभायमान थी, पूरी तरह शोभायमान थी।